इतना हमने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। क्या देखेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला आता है प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है? ये प्रोटोजोआ में पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दूसरा जो आता है वो आता है सेलुलर। सेलुलर हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है? ये पॉलीफेरा में, पॉलीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तीसरा आता है टिश्यू लेवल और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये पाया जाता है, ये मिलता है हमें टीनोफोरा, निडेरिया और टीनोफोरा में। निडेरिया और टीनोफोरा में निडेरिया और टीनोफोरा में हमें देखने को क्या मिलेगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। चौथा आता है टिश्यू के बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये किस में पाया जाता है? प्लेटी हेलमिंथीस में, प्लेटी हेलमिंथीस, प्लेटी हेलमिंथीस में पाया जाता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है? प्लेटी हेलमिंथीस में। इसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पाया जाता है हमें एस्केल्मिंथीस, एस्केल्मिंथीस से लेकर कॉर्डेटा सब में, कॉर्डेटा तक, एस्केल्मिंथीस से लेकर कॉर्डेटा, कॉर्डेटा तक सब में पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ऑफ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस प्रकार पांच प्रकार से हमें देखने को मिला। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोजोआ में पाया जाता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलीफेरा में पाया जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन निडेरिया या टीनोफोरा में पाया जाता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटी हेलमिंथीस में पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्केल्मिंथीस से लेकर कॉर्डेटा में पाया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं बॉडी प्लान। क्या देख लेते हैं? बॉडी प्लान, बॉडी प्लान, बॉडी प्लान या फिर बॉडी प्लान हमें कैसे देख, कहाँ देखने को मिलेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम, जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तब हमें बॉडी प्लान देखने को मिलेगा। क्या कितने प्रकार का होता है ये? दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है,
बॉडी पिलाने के लिए डाइजेस्ट सिस्टम, एक तो ब्लाइंड सैक होगा, या तो ब्लाइंड सैक होगा या फिर ट्रू ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब होगा। तो ब्लाइंड सैक में क्या होता है कि इसमें एक पोर होता है केवल, और एक पोर से ही यही माउथ का काम करेगा और यही एनएस का काम करेगा, माउथ और एनएस दोनों का काम यही करेगा। और दूसरी साइड से होता है ये ब्लाइंड होता है, मतलब बंद होता है, इसे कहते हैं ब्लाइंड सेक। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ओनली, इसमें क्या लिखेंगे हम, ओनली वन ओपनिंग ओपनिंग एक्ट एज माउथ एंड एलएस एज वेल एज एनएस, तो एनएस के साथ साथ वो माउथ का भी काम करेगा। माउथ के साथ साथ एनएस का भी काम करेगा, ठीक है। इनकल इसमें क्या होता है कि इनकम्प्लीट, इन कंप्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, सिस्टम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, हमें कहाँ मिलेगा, प्लेटी हेलमिंथीज में। एग्जाम्पल क्या है इसका, प्लेटी हेलमिंथीज, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब में देखिए, ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, मतलब क्या है कि ये बॉडी जो है वो ट्यूब लाइक होगी और इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल होगी, और ये एलिमेंट्री कैनाल का एक छोर तो माउथ की तरह से काम करेगा और दूसरा जो छोर है वो एनएस बनाएगा, ठीक है। इसलिए इसे हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। बॉडी कैविटी के अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल होगी, ठीक है, जिसमें दो पोर होंगे, एक पोर बनाएगा माउथ और एक पोर बनाएगा एनस। इसे कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कहाँ होता है, ये किस कहलाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, एग्जाम्पल इसमें एस्केल्मिन्थीस से ऑनवर्ड। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, एस्केल्मिन्थीस ऑनवर्ड, ऑनवर्ड मतलब एस्केल्मिन्थीस से आगे सभी में, कोऑर्डिनेटर तक सभी में, ठीक है। तो आज की स्लाइड यहीं पे कंप्लीट होती है, नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्लाइड में साथ मिलेंगे। लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियो को।